हिंदू धर्म में गंगा दशहरा और बड़ा मंगल ज्येष्ठ माह के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माने जाते हैं। गंगा दशहरा माँ गंगा के धरती पर आगमन के रूप में मनाया जाता है, वहीं बड़ा मंगल हनुमान जी और श्री राम के मिलन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बड़ा मंगल और गंगा दशहरा का विशेष संयोग बन रहा है। बता दें कि आखिरी बड़ा मंगल और गंगा दशहरा 30 मई 2023 को पड़ रहा है। इसे बहुत ही अच्छा योग कहा जा रहा है। बड़ा मंगल के दिन गंगा दशहरा का संयोग बहुत ही शुभ है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा जी में स्नान करना, पूजा करना और हनुमान जी की विशेष आराधना करना बहुत ही लाभ देगा। गंगा दशहरा और बड़ा मंगल के दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इन दिनों के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं और कुछ काम वर्जित बताए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। बड़ा मंगल और गंगा दशहरा के संयोग के कारण इस दिन सफेद या नारंगी वस्त्र पहने और बड़ा मंगल के दिन काले, नीले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। बड़ा मंगल और गंगा दशहरा के संयोग के कारण इस दिन उत्तर दिशा में यात्रा करने से भी बचें। अगर इस दिन यात्रा करना जरूरी है तो यात्रा करने से पहले घर से गुड़ खाकर निकले, इससे यात्रा में होने वाले अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। भूलकर भी बड़े मंगल के दिन रुपयों का लेन देन ना करें। इस दिन रुपए उधार लेना या देना दोनों ही काफी अशुभ होता है। ऐसे में आपका पैसा डूबने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बड़ा मंगल के दिन नॉनवेज शराब सेवन करने की गलती भूल कर भी ना करें। बड़े मंगल को सभी मंगलवार में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन ना करें वरना आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।